नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। हाँ जी फ्रेंड्स, और ये आपके लॉजिकल रीजनिंग का मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि ये नंबर और लेटर आर्गुमेंट से संबंधित है इसलिए हम इसको मैथमेटिकल रीजनिंग बोलेंगे। तो देखिए, आपके रीजनिंग में कई पार्ट हैं। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए हम आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन लाए हैं। ओके, और एक तरह से ये आपका टेस्ट है। ये आपको सिर्फ चेक करने का एक ऐसा माध्यम है फ्रेंड्स, जिससे पता चलता है कि आप कितना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं किसी टाइप का और फिर आप कहते हैं मुझे आ गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही गलत धारणा है आपकी। ओके, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। आप जितना क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपको रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना इन फ्यूचर आसान होता चला जाता है। लेकिन अगर एक बार आपने हाइपोथेसिस बना लिया, अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया हूँ, अब कर लूँगा, तो बिल्कुल नहीं, वो भूलता चला जाएगा। वन बाय वन डे वो भूलता चला जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि पेपर फर्स्ट जितना बेटर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप आंसर दे लेंगे। आपको मिलता है एग्ज़ाम में 60 मिनट, तो बताइए 50 क्वेश्चन 60 मिनट में कैसे सॉल्व हो सकता है? तो आप जितना करेंगे आप में स्पीड डेवलप होता चला जाएगा। हर कोचिंग सेंटर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे स्पीड टेस्ट कराया जाता है बच्चों का। वो प्रैक्टिस कराते हैं, फिर उनका स्पीड टेस्ट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मान के चलिए ये आपका स्पीड टेस्ट है, और हम इसलिए आंसर बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको ऑप्शन देंगे। आपको करेक्ट आंसर ढूंढ के लाना है और हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपके कमेंट के अंदर जाके सही आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए, जो लेटर नंबर आपका अरेंजमेंट है वो किसी विशेष समूह में स्थित अंक या जो भी आपके अक्षर हैं, नंबर है, को सिस्टमैटिक क्रम को जो होता है उसकी श्रृंखला को कहते हैं। ओके, और एग्ज़ाम में आपके कुछ आपके नंबर होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं। ओके, और आपके नंबर और वर्ड एक विशेष जो होता है सिस्टमैटिक क्रम में दिए होते हैं, और जो दिए क्रम होते हैं उसी में एक विशेष कुछ स्थान गैप कर दिया जाता है, और आपका वो गैपिंग को पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वही हम यहाँ पे आपको फॉलो कराएंगे। हमने ये इसलिए बताया क्योंकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट हैं तो उनको जानना चाहिए कि नंबर लेटर जो अरेंजमेंट है वो क्या कराता है। तो चलिए देखिए, आज का फर्स्ट आंसर आपको जो देना है वो यहाँ पे है। पहला इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले देना है, फिर आपको सेकेंड ये क्वेश्चन है इसका आंसर देना है। देखिए और अच्छे से सॉल्व करिए। और आपका नेक्स्ट जो है, देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। फोर्थ आपका है, यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है, और पांचवा आपका हो गया ये। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी हो गए क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए, और कोई जल्दीबाजी मत करिए, अच्छे से आप लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देते हैं फिर आप इसी बेस पे थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करिएगा। अब हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं और आपको टाइम देते हैं कि आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ।